श्री राम जन्मभूमि तीर्थ न्यास के तत्वाधान में आयोजित श्री राम जन्मभूमि पर प्रभु श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 22 जनवरी को संपन्न होना है। स्वाभाविक रूप से संपूर्ण अयोध्या धाम और पूरे उत्तर प्रदेश और देश में उत्साह का माहौल है। अयोध्या में समारोह की दृष्टि से बाहर क्या व्यवस्थाएं हुई हैं, प्रशासन इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए आज पुनः मैं एक बार यहां पर आया हूं। स्थानीय स्तर पर प्रशासन ने और प्रदेश सरकार के मंत्रियों ने पहले से ही यहां पर सारी व्यवस्थाओं को, चाहे वह यहां के लोकल स्तर पर ट्रस्ट के साथ समन्वय का हो, यहाँ के सुविधाओं का हो, ट्रैफिक का है, सुरक्षा का है और अन्य सभी प्रकार की व्यवस्था को बेहतर तालमेल से आगे बढ़ा करके 22 जनवरी के इस ऐतिहासिक पल के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न करने के लिए अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। अंतिम चरणों में सारी कार्रवाई उनकी चल रही है और युद्ध स्तर पर इसे हम समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देंगे। 22 के बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के द्वारा प्रभु श्री रामलला के दर्शन करने के लिए जो भी कार्य योजना तैयार होगी, इसके अनुसार यहां पर स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार पूरा सहयोग करके आने वाले श्रद्धालुओं को यहां पे पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें दर्शन करने का अवसर प्राप्त होगा, यह व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अपने स्तर पर पूरा सहयोग दे रही है। इसके लिए टेंट सिटी भी लगाई गई हैं, धर्मशालाओं को भी तैयार किया गया है, होटल्स भी यहां बने हुए हैं। लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर या अन्य शहरों से यहां के आने के लिए एक बेहतर ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी दी गई है, जिससे कहीं भी किसी को कोई दिक्कत न हो। सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की जा रही है, किसी भी स्तर पर किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत न हो, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। अभी से तैयारियां की जा रही हैं क्योंकि हर एक मन में उत्साह है, उमंग है। 5 सदी के बाद यह अवसर आया है तो स्वाभाविक रूप से हर श्रद्धालु इस बात को चाहता है कि मैं भी रामलला का दर्शन करूं। मेरी अपील होगी सभी जनता जनार्दन से कि जो भावनाएं उनके मन में है वही हमारे मन में भी है और इसलिए हम लोग बेहतर तालमेल और समन्वय से अगर दर्शन करने के लिए आएंगे तो दर्शन भी हो पाएगा और किसी प्रकार का कोई कष्ट किसी भी श्रद्धालु को और किसी भी आने वाले यात्री को अयोध्या धाम में नहीं होगी। पैदल लोग ना चले, हम लोग देख रहे हैं बहुत सारी जगह से लोग पैदल चले आ रहे हैं, वे पैदल ना करें। भीषण शीतलहरी चल रही है, अपने बिना बताए कार्यक्रम के अनुसार भी ना चले। राज्य के अंदर हम लोग व्यवस्थाएं दे रहे हैं, जनपदों को भी देंगे, राज्यों को भी व्यवस्था देंगे, हर एक व्यवस्था से साथ करेंगे, हम लोग भी कोऑर्डिनेशन करेंगे
और हम लोग तीर्थ क्षेत्र न्यास के साथ भी हम एक जिसके बारे में चर्चा करके विस्तृत कार्य योजना बनाएंगे। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से आएगा तो कहीं अव्यवस्था किसी स्थिति न पैदा हो, ये हमें देखना होगा। और हर व्यक्ति इस बारे में अपना जैसे अब तक सहयोग करते रहे हैं तो उस सहयोग को अगर आगे भी जारी रखेंगे तो हमें भी बहुत सुविधा होगी और हर एक श्रद्धालु को, आने वाले श्रद्धालु को भी प्रभु श्री रामलला के 500 वर्षों के बाद, कई शताब्दियों के बाद दर्शन करके आनंद की अनुभूति होगी, अंतःकरण से उन्हें आनंद की अनुभूति होगी। इसके लिए भी बेहतर कोऑर्डिनेशन की दिशा में प्रयास प्रारंभ किए गए हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जैसे कार्यक्रम अब तक सभी सकुशल संपन्न हुए हैं, 22 जनवरी का कार्यक्रम भी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, भारत के विश्वास और लोक आस्था की पुनर्प्रतिष्ठा का, भारत के गौरव की पुनर्प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को हम लोग जनता जनार्दन और सभी आम जनमानस के सहयोग से, पूज्य संतों के आशीर्वाद से, रामलला की कृपा से सकुशल संपन्न करने में सफल होंगे। आप सब भी यहाँ पर इस भीषण शीतलहरी में हैं, मैं आप सबको भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि अयोध्या की पल पल की घटनाओं को, पल पल की खबरों को आप देश तक पहुँचा रहे हैं और इस अपील को भी पहुँचाएंगे कि बिना प्रोग्राम के और बिना किसी उसके, अगर लोग थोड़ा सा धैर्य रख करके अपनी बारी का इंतजार करने के साथ यहाँ के लिए कार्यक्रम के अनुसार आएंगे तो किसी को भी असुविधा नहीं होगी। इस प्रकार की व्यवस्थाएँ यहाँ पर की जा रही हैं और प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन इसमें भरपूर सहयोग करेगा।